मिनिस्टर या कोई ऐसी कलेक्टिव हो जो जहां पे इंटेलेक्चुअल्स हैं, और सहज ही अंदर उतरे हैं नहीं, और उन्होंने किसी ने प्रश्न पूछ लिया तो कहां से आएगा आंसर? आपको मैं बता दूं, जो ध्यान से जुड़े हुए लोग होते हैं सहज योग के अलावा, अगर आप उनसे ध्यान के विषय में बात करें तो वो बहुत गहरी बातें बताते हैं, क्योंकि मेरे को अनुभव है बहुत अच्छा ऐसे लोगों का जो ध्यान से जुड़े हुए, भले ही वो सहज योग से नहीं जुड़े, और उनके अगर उन्होंने प्रश्न कर दिया तो हमारे सहजी यूं बगले झांकेंगे कहां से उत्तर दें, क्योंकि श्री माता जी के 7000 लेक्चर तो उन्होंने सुने नहीं सारे, माने तो ये तो हर विषय पता है, पर 7000 लेक्चर्स इनको 20 साल लगेंगे सुनने में, रोज एक सुने तो। और उन्होंने पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन, एक फर्ज करिए एक सरल सा क्वेश्चन है, हम कह रहे हैं भैया ध्यान करो, वो कहेंगे जी बस ये बता दो हम ध्यान कैसे करें, अब कैसे उत्तर देंगे हम बताइए, हाउ कैन यू टेल देम, कैसे उत्तर देंगे हम कि ध्यान कैसे करें अगर हमें अनुभव खुद का नहीं होगा। श्री माता जी ने कहा बिंदी की तरफ देखो, हम कहेंगे उन्हें बिंदी की तरफ देखो, अब उनकी तो श्रद्धा श्री माता जी में बनी नहीं है, पहले दिन तो नहीं बनी, अब वो बिंदी देख के भी क्या करेंगे, थोड़ी देर में उनके माथे में दर्द होने लगेगा, क्योंकि त्राटक करना हो गया ना, त्राटक बिंदु को देखना, इसे त्राटक बोलते हैं हम। और उन्होंने कहा कि अच्छा आप ये बता दो कि ध्यान में उतर कर आपको कैसा लगता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, वो कहेंगे अच्छा किस प्रकार से लगता है, अब कैसे बताएंगे कहां कहां अच्छा लगता है, क्या क्या चीज होती है अंदर, और हम कैसे जाने हम गहन ध्यान में, ये उन्होंने प्रश्न कर लिया तो हमारे पास उत्तर क्या होगा। फिर हम याद करेंगे, हम अपने लेफ्ट आज्ञा को स्क्रॉल कर रहे होंगे, अच्छा ऐसा बताया था, और उन्होंने जो प्रश्न किया वो मैच नहीं हो रहा, बाकी कोई बात हमारी सेव है नहीं मिली हमें, अब पता लगा हमने कोई वेग सा आंसर दे दिया उल्टा सीधा, और तुरंत समझ गए गलत रास्ता है इनका, मतलब रास्ता इतना बड़ा श्री माता ने दिया पर हमारे कारण फेल हो गया हमारा रास्ता, वो कहेंगे अरे तुम्हें कुछ नहीं पता बेकार फोन करते हो। आई हैव लिसन ऑल सच थिंग्स, लोग ये कहते हैं तुम ढोंग करते हो, क्यों? क्योंकि हमें मालूम नहीं है, वी डू नॉट नो इंटरनल एक्सपीरियंसेस, हाउ कैन वी टेल अदर्स, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीचे उतरना अपने भीतर उतरना इतना आवश्यक है, खाली खाली जो है बाहर का कार्य करना में ही अपना समय खराब कर देना, खराब इसलिए बोल रहा हूं, है तो यूटिलाइजेशन खराब इसलिए कह रहा हूं कि हम इतना करके भी हम कुछ पा नहीं रहे, क्योंकि हम अपने अंदर संचित नहीं किया, हमने 10 लाख रुपए कमाए गेट पे छोड़ दिए, कोई भी ले गया वही कि हम बिल्कुल ही खाली के खाली ठंडक को भर रह गए, तो इसीलिए अंदर उतरने की आदत होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। अब किसी ने प्रश्न कर लिया, नए लोग करते हैं ना प्रश्न, ऐसे आए हैं सामने प्रश्न, क्योंकि हमने आंखें बंद करी हमें ऐसा दिखाई दिया, अब आप कैसे जवाब दोगे उन्हें जब अनुभव नहीं होगा, अक्सर सबसे पहले लोग ये कहते हैं हमें दिख गया, अब हमारे सहजी भी बड़े खुश होते हैं, मां दिख गई, तो क्या वो वास्तव में दिखी या मेंटल प्रोजेक्शन था, मेंटल प्रोजेक्शन, क्योंकि मां की स्मृति मां की जो फिगर है बहुत सारी हमारे माइंड में सेव है, हम ध्यान किया फट से मां की एक फिगर आ गई, माइंड ने प्रोजेक्ट कर दी, क्योंकि माइंड इज जस्ट लाइक ए कंप्यूटर, हमने उसको कहा, हमने उसमें फीड कर रखा है एक नाम अपने कंप्यूटर में राधे लाल, हमने आर लिखा ही था, उसने राधे लाल प्रोजेक्ट कर दिया सीधा, वो कह रहा है तुम ज्यादा मत लिखो मैं ही बता देता हूँ ये है यही चाहिए तुम्हें, टिक क्लिक हो गया राधे लाल आ गया। मोबाइल फोन भी कितना तंग करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, इसका ऑटो करेक्शन जो है कई बार कुछ का कुछ लिख के भेज देता है, बड़े परेशान होते हैं, तो सोचिए यही काम हमारे माइंड का है कि मां के इतने सारे स्वरूप हमारे से हो गए, आंख बंद किया पट से एक स्वरूप आया, हमने कहा भैया आज तो मां ने दर्शन दे दिए, और बाकी सहजी कह रहे हैं कितने अभागे हैं तेरे को दे दिए हमें आज तक नहीं, तो वो कह रहा है दैट इज नॉट दर्शन, दैट इज मेंटल प्रोजेक्शन, द फाइल्स आर सेव्ड इनटू योर माइंड एंड माइंड इज प्रोजेक्टिंग दोस फाइल आउट ऑफ डिमांड, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मदर and mind is saying okay you are typing mother so I am projecting all these figures select one ye mother hai ki ye mother hai ki ye mother hai
आप हो गए अंदर माने दर्शन दे दिए। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रामक है, कैसे बताएंगे उनको कि मेंटल प्रोजेक्शन है। जो सामने वाले बैठे हुए हैं उनको तो भोले बाबा भी दर्शन दे जाते हैं, राम जी भी दे जाते हैं, आप उन्हें कैसे बताओगे कि दर्शन नहीं है भाई मेरे, टेक्निकल ग्राउंड में आपको मालूम कुछ नहीं है, कैसे बताओगे उन्हें। वो तो कहेंगे आप झूठे हो, मेरे को तो राम जी रोज दर्शन देते हैं। हम इनसे पूछेंगे भैया कैसे दर्शन देते हैं, कि वो तीर कमान वाले, भाई तीर कमान कहाँ देखा, तो किसी फोटो में देखा, कैलेंडर में देखा, आ गए राम जी। अगर दर्शन होने हैं खुली आंखों से होंगे, ओपन आईज 101%, या बादलों में होंगे, बादल की आकृति होगी वो भी ओपन आईज में दिखाई देगी, या जो ये अगरबत्ती का धुआं है ना ये भी एक आकृति लेके आपको दिखाई देगा, ये दर्शन है, दीज आर दर्शन। आंख बंद करके दर्शन नहीं होते हैं, आंख बंद करके तो केवल भ्रम उत्पन्न होता है, माइंड देता है आपको, या फिर आंख बंद करके जो प्रोजेक्शन होता है वो आपके राइट आज्ञा का होता है, आपको आने वाले समय के भी दर्शन करा देता है राइट आज्ञा। बिकॉज जो ट्रुथ है उसको तीन हिस्सों में बांट दिया गया है, ट्रुथ हैज बीन डिवाइडेड टू थ्री फेजेस, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ट्रुथ हैज बीन डिवाइडेड टू थ्री सेगमेंट्स, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब आप जैसे ही अटेंशन डालते हो शस्त्रार पर, आप ट्रुथ से जुड़ते हो, यू कनेक्ट विद ट्रुथ, सत्य से आप कनेक्ट हुए, और सत्य से जब कनेक्ट हुए आप संसारिक स्तर पे भी रह रहे हो, और आपके कल्याण के लिए या आपको सचेत करने के लिए ट्रुथ ने आगे का दिखा दिया, एक्सीडेंट दिखा दिया। आप सचेत हो गए, भाई एक्सीडेंट हो सकता है, आपके फायदे के लिए, और आपने वो एक्सीडेंट सबको बता दिया, भैया मेरे को एक्सीडेंट हो गया, अब सब आपके वैल्यूएशन है। तब तक्षण उनकी चेतना कार्य करेगी कि भाई एक्सीडेंट ना हो, बच गए, जो लिखा था वो होता जरूर, लेकिन इतने सारे लोगों की शुभकामनाओं ने, दुआओं ने वो घटित होने से बचा लिया, एक्सीडेंट हुआ बहुत मामूली सा होकर रह गया। तो ये राइट आज्ञा हमें बताता है, आश्चर्य होता है हमें। और जो लोग कनेक्टेड नहीं होते हैं, जो लोग वैसे आम लोग हैं, उनको विजन्स आते हैं, वो मेडिटेशन करने वाले नहीं होते, पर उनका पिछले जन्म में उन्होंने कहीं ना कहीं मेडिटेशन किया होता है, जिससे उनका सिस्टम वो एक्टिव हो चुका होता है। कुछ दिखाएगा पास्ट की घटनाएं, आपके जीवन में कुछ घटना घटित हुई, आपके अंदर कंफ्यूजन रह गया, पता नहीं चला हुआ क्या, बहुत कोशिश करी जानने की, बहुत कोशिश करी, ध्यान में बैठे थे, अचानक सारी घटना दिखाई दे गई पास्ट की, तब क्षण जान गए अच्छा ये कल्प्रिट था, और आपने उस दिशा में जैसे ही तहकीकात करी तुरंत आपको पता लग गया कि भाई तो सत्य प्रकट हुआ है, भूतकाल का भी, भविष्य का भी, और वर्तमान का भी। जब हम शस्त्रार भार से जुड़ते हैं तो हमारे सामने सत्य प्रकट होता है, चाहे वो भूतकाल से संबंधित हो, क्योंकि सत्य एक ही है, तीन हिस्सों में बटा हुआ है, तीन हिस्सों में बांटा गया है समय को गति देने के लिए। अगर तीन हिस्सों में ना बांटा जाता तो मूवमेंट नहीं होता, टाइम नाम की चीज नहीं होती, सब चीज रुकी हुई होती, स्टैग्नेटेड, अटका हुआ होता सब कुछ, गति नहीं होती, जीवन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये जो जीवन हमें दिखाई देता है, ये बदलाव दिखाई देते हैं, टाइम फैक्टर है, सत्य कभी नहीं बदल रहा, फॉर्म बदल रहे हैं, और समय की गति के कारण एजिंग आ रही है। भाई हमारी जीवात्मा वही की वही है, ना वो बूढ़ी हो रही ना उसकी एज बढ़ रही, जीवात्मा वैसे ही है, आत्मा वैसे ही है, चेतना वैसे ही है, सब कुछ वैसा का वैसे ही है, लेकिन शरीर बूढ़ा हो रहा है। तो छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बड़ी चीज की समझ देती है, ये हमें अपने अंदर समझना होगा। और ध्यान में गहरे उतरने के बहुत सारे लाभ है, आप सब जानते हैं, चाय में आधे घंटा रह गया, फिर आप ध्यान की थोड़ी डुबकी लगा दें, ध्यान की डुबकी, और जहां पर हम हैं वो तो स्थानीय डुबकी लगाने वाला है, हर हर गंगे। आपको मेरी बातें कुछ अजीब सी अटपटी तो नहीं लगी, आप लोग सुन रहे थे, कुछ अजीब सी अनहोनी सी जैसे तो नहीं लगी, गप मार दी ऐसे ही, प्रभावित करने के लिए गप मार दी, ऐसी ऐसी बातें बता दी जो है तो है नहीं है, यकीन करते हैं। ये सब वही बातें हैं
जो आप सबके चारों तरफ आसपास हमेशा उपलब्ध है। बस अंतर क्या है कि बस मेरे को ज्यादा समझ तो है नहीं, मैं तो बस छोटी छोटी चीज देखता हूँ, अपने आसपास को देखता हूँ, अपने भीतर को देखता हूँ, भीतर के अनुभवों को महसूस करता हूँ, ऑब्जर्वेशन करता हूँ, छोटी छोटी चीजों का ऑब्जर्वेशन करना है, बाकी कुछ नहीं। और जो अनुभव ऑब्जर्वेशन में इकट्ठा हो जाता है वो आप सब लोगों से शेयर कर देता हूँ, उसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। और एक समस्या है बहुत बड़ी, आप कभी कभी बहुत सारे बड़े बड़े सहजी से मिले होंगे, बहुत नामी गिरामी सहजी होंगे, बहुत फलां सहजी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आता है। आप उनसे मिलेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताएंगे, कई बार इतनी कठिन सी चीजें बता देते हैं समझ नहीं आता। मैं सोचता हूँ यार बड़े इन्हें अनुभव है, हमें अभी अनुभव करने हैं। और ये चीज क्या देती है हमारे अंदर, हीन भावना। अच्छा इन्हें हमारे अनुभव ही है, हमको कब होंगे अनुभव, ऐसे एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है, क्योंकि बड़े पेचीदी चीजें बता दी उन्होंने, चार शास्त्रों में से बता दी, छह उपनिषदों में से बता दी, कुछ वेदों में से बता दी, और हम जैसे अनपढ़ लोग कोई चीज तो पढ़े है नहीं, हम कहेंगे भाई इन्हें बहुत ज्ञान है। कई बार ऐसे बहुत सारे ज्ञानी मिले, और एक साहब थे ऐसे मिले, उन्होंने तो ये कहा कि भाई आपका चित्त इतने किलोमीटर तक कार्य करता है, उसका डाया इतना होता है, उसका सर्कमफेरेंस होता है, इतनी सारी कैलकुलेशन बता दी, मेरा ये झंझना गया। मैंने कहा हाय भगवान, इतनी मुसीबत, चित्त की इतनी मुसीबत कर दी तो हम मजा कैसे उठाएंगे इस चीज का। मैंने उनसे खाली एक प्रश्न कर दिया मामूली सा, मैंने कहा भाई आपको कैसे पता लगा, नहीं नहीं वो वहां पढ़ा था, अरे भाई आपको क्या अनुभव है मुझे तो वो बता दो, नहीं बता पाए, दाएं बाएं की बातें उनसे पूछो, उत्तर की तो बताए पश्चिम की, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, आप कितने दिन हो गए इसे, बोले कि इतने दिन से हूं। मैंने कहा ये बता दो, एक मात्र ये बता दो कि आप वाइब्रेशन अनुभव कैसे करते हो, हाउ डू यू कम टू नो कि वाइब्रेशन है ये और सही वाइब्रेशन है। बोले ऐसे हाथ खोलते हैं, ऐसे वाइब्रेशन आते हैं, और ये जो वाइब्रेशन है वो हमें हाँ श्रीमाते से आ जाते हैं। मैंने कहा श्योर श्रीमाते से आते हैं, बोले हाँ श्योर है। मैंने कहा फिर एक बात बताइए, मैंने झूठी बात उनसे बोली, बिल्कुल 100% झूठ था। मैंने उन्हें बताया बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं। मैंने कहा आप समझ लो और सुनो, ये बिल्कुल असत्य बात है और तुम्हें इतने अच्छे वाइब्रेशन आ रहे। तो कहानी समझी ये बात की, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी को, इसलिए नाम भी नहीं लिया मैंने। तो समझने की कोशिश कीजिए कि वाइब्रेशन को झूठ बात से उन्होंने पकड़ लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा वाइब्रेशन गलत आए होंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं उनका चित्त कहीं और होगा। लुक टू लंदन टॉक टू टोक्यो, यानी कि चित्त तो वहां पे होगा और बातें कहीं और होंगी, वाइब्रेशन तो वहां से अच्छे आ गए पर जो असली चीज थी वो मिस कर गए। इसेंस जो मैंने उनसे पूछा था वो चित्त नहीं था उसके उनका। तो कहने का मतलब है कहीं हम ये वाली मिस्टेक तो नहीं करते। एक और बहुत महान सहजी थे जी, वो हरेक के घर में जाके जो है दूध मंगाते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान ये सब करना, रात में 12 बजे हवन करते थे। मैंने उनसे पूछा इतना आप ये सब दूध मंगाने का करते हो, अरे एक सीधी सीधी बात है, श्री माता जी के सामने बैठ जाओ, उसे बैठा दो और सहस्त्रार हृदय में ऊर्जा महसूस करा दो, भाग जाएगा भूख, इतना सारा अंगा डालने की क्या जरूरत है। बोले नहीं 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 श्री माता जी ने तो बताया। मैंने कहा आप इतना 10 किलोमीटर लंबा रास्ता बना रहे हो, एक सरल सी चीज से माता के सामने बैठना है और क्या करना है इसमें। लेकिन चूंकि वो फेमस हो गए थे, सहजी उन्हें घर में बुलाया करते थे, हवन कराया करते थे 12-12 रात को 1-1 बजे, और उसके बाद जो उनको श्रम होता था फिर उन्हें उनके पैसे भी मिलते थे। बात ये थी सारी। और उसके बाद वो बहुत से और भी चीज डरा देते थे, जब भी मैं उनसे पूछू एक चीज डराने वाली कहते हो, यार कैसे सहजी है, कोई अच्छी बात बता दो। नहीं 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 वो उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये है। मैंने कहा तभी ये भी कह दिया करो उसके अंदर वहां है, स्पष्ट बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप डराओगे सहजी डर जाएंगे, आम लोगों से भी ज्यादा तो हमारे सहजी डरते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें यहाँ है ना, माने बहुत सारी डरावनी चीजें बता रखी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हम डर जाते हैं बहुत सारे, हम डर के हमारे दर दर कांपते हैं, हम सोचते हैं भैया कुछ भी करके भगा दो, जो हमारे अंदर दिख रहा है तुम निकाल दो।
ऐसा होता है ना, एक हमारी सहजी बहन थी, छोटी उम्र उनकी लगभग 25 साल, तो एक बार रोते रोते फोन आया उनका, सच्ची घटनाएं बता रहा हूँ सारी। बोली भैया उनको वो थे ऐसे ऐसे, उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे अंदर ये, बोलो नर्क में जाओ। मैं तो डर गई थी और मेरे को कई दिन से नींद नहीं आई है, मेरे अंदर कुछ है। अब वो इतना परेशान, इतनी परेशान थी, बड़ी मुश्किल से वो शांत थी। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो बड़े सहजी हैं, कभी भी आप देखिएगा वो डरा देंगे आपको, आपको इतना डरा देंगे आप थर थर कांपोगे। और सीधी बात यह है कि भाई जब माँ, हम कहते हैं माँ हमारे अंदर है, तो क्या कोई डर की बात है? कोई है डर की बात? नहीं ना। तो ये चीज कहां से आएगी? फिर मैं वहीं आऊंगा, जब हम अपने अंदर उतरेंगे, हम अपने अस्तित्व को जानेंगे, अपने को पहचानेंगे और अपनी वास्तविकताओं को हम अपने अंदर महसूस करेंगे। क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश। हमारे अंदर कुंडली है, कुंडली कौन है? मां आदि शक्ति का अंश। तो दो चीजें इतनी बड़ी हैं हमारे अंदर, तो इनके रहते हुए अगर कोई चीज गलती से, हमारे अज्ञानता से कोई चीज आ भी गई, तो जब ये दोनों शक्तियां जाग जाएंगी तो बेचारी अपने आप ही भाग जाएगी, बाहर से तो कुछ करना ही नहीं है ना। अब आप एक देखिए कि आपके घर में, आपकी किचन में मान लीजिए बहुत गंदगी है या डस्ट, आपने वैक्यूम क्लीनर चलाया, वैक्यूम ने सब खींच लिया, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ऐसी जो इतने सारी शक्तियां क्लीनर हमारे अंदर लगे हुए हैं, जब वो जागृत हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं, सब खींच लेते हैं, जितनी फिल्थ और डस्ट है हमारे माइंड के अंदर, तो बिना रह के। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा ध्यान के लिए, थोड़ी देर के लिए। और रहते रहते एक चीज और अलर्ट होकर देखिएगा कि मेरा चित्त कहां चला गया था, फ्रैक्शन और सेकंड के लिए क्यों नहीं गया हो, क्षण मात्र के लिए भी अगर चित्त चला गया तो वो बदल जाएगी सूचना है और हम भ्रमित हो सकते हैं। तो चलिए महामंत्र लेते हैं, ठीक है। किसी को बंधन लेना हो तो ले सकते हैं, कोई मतलब ऐसी परेशानी नहीं है। आपको लगे कि बंधन नहीं लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो ध्यान पे जा रहे हैं कुछ गड़बड़ हो जाए, तो आप बंधन भी ले सकते हैं। जो नहीं लेना चाहते तो वो उनकी मर्जी है, क्योंकि ये इससे बड़ा बंधन तो मुझे कोई नजर आया नहीं। शिमा के प्रेम से उससे बंधने के बाद तो सब कुछ बंधन ही बंधन है। ले लीजिए जो लेते हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, क्योंकि हम इसका संबंध हमारे फियर फैक्टर से है, डर। अगर हम ध्यान में जा रहे हैं और हमारे अंदर ये भय है कि शिमाता जी ने कहा है कि भाई ध्यान में जाने से पहले बंधन लेना है, और अगर नहीं लिया तो ये फियर की फाइल खुली रहेगी, अब जो हमारे को ध्यान नहीं करने देगी। तो जितनी भी चीजें हम करते हैं वो कर ले ध्यान में जाने से पहले। महामंत्र लेंगे,
कार्य के लिए आपने हमें यहाँ एकत्रित किया है, हम सबके आंतरिक उत्थान के लिए मां, हम सभी बच्चे आपके श्री चरणों में समर्पित हैं। जो भी आप हमें प्रदान करना चाहे, जो भी हमें आप अंदर से देना चाहे मां, हम अनुग्रहित हैं और हम आपके उस प्रेम के आभारी हैं जो आप हमें सदा देती रहती है। मां, हम सबके यंत्र, हम सबकी चेतना, हम सबके हृदय इस बात के लिए तैयार है मां, आप में जो देना चाहे दे दे। अब इसी अवस्था में ही हम देखेंगे अपने भीतर कि कहां कहां पर श्री मां का प्रसाद ऊर्जा के रूप में हमें अनुभव हो रहा है। पूरा अलर्ट होकर पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने भीतर में उतर कर उन सभी सूक्ष्म संवेदनाओं पर हम केंद्रित करेंगे अपनी चेतना को। और अब हम अपनी चेतना को जोड़ने जा रहे हैं मां गंगे से। अपने चित्त को, अपनी चेतना को मां गंगे के साथ जोड़ेंगे। उनके प्रेम को, उनकी ऊर्जा को, उनकी गति को, उनकी हलचलों को, उनकी धाराओं को अपने भीतर में अनुभव करेंगे। हे मां गंगे, जल के रूप में आप हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं, कृपया अपने निराकार अस्तित्व को भी हमारे भीतर प्रवाहित कीजिए। हमारे यंत्र को अपनी ऊर्जा से प्रभावित कीजिए। अब महसूस करेंगे कि मां गंगे ऊर्जा की धारा के रूप में हमारे सहस्त्रार से हमारे भीतर में उतर रही है। पांच सात मिनट तक हम इसी अवस्था में मां गंगे को अपने रोम रोम में प्रवाहित होता हुआ आभासित करेंगे।
करेंगे कि हमारे शस्त्रास से रिस रिस कर उनकी धारा हमारे हृदय रूपी सागर में समा रही है। निराकार रूप में हमारे भीतर भ्रमण कर रही है अपने समूचे यंत्र में समस्त चक्रों में समस्त नाड़ियों में इस पवित्र ऊर्जा को हम आभासित करेंगे। हमारा हटेगा नहीं, मां गंगे से नहीं हटेगा, इस धारा को हम अपनी नाभि में अनुभव करेंगे, भव सागर में अनुभव करेंगे इस पवित्र धारा को। अब इसे स्वाधिष्ठान में ले जाएंगे, वहां अनुभव करेंगे। ध्यान रहे हमें डायरेक्ट चक्रों पे देखना है, हाथों और हाथ की उंगलियों में नहीं। मूलाधार में अब कीड़ा नाड़ी में लेफ्ट मूलाधार से लेकर लेफ्ट आज्ञा तक इस अमृत जैसे ऊर्जा को हम महसूस करेंगे अपनी कीड़ा नाड़ी में।
अब पिंगला में राइट स्वाधिष्ठान से राइट आज्ञा तक अब सुषुम्ना में सेंट्रल मूलाधार से लेकर अंतरिक्ष तक, क्योंकि यह धारा वास्तव में ब्रह्मांड के परे से अवतरित हुई है, धरती पर जल के रूप में है और सूक्ष्म जगत में ऊर्जा के रूप में है, ब्रह्मांड के परे से अवतरित हुई मां गंगे की सूक्ष्म ऊर्जा हमारी सुषुम्ना में मूलाधार तक भ्रमण कर रही है। महसूस करें चित्त को अनंत अंतरिक्ष से लेकर मूलाधार तक, अनुभव करें बारंबार। ये धारा कहां से फूटी है? ये धारा फूटी है श्री सदा शिव के श्री चरणों से। धरती को उतारने के लिए, हम सब मानवों का कल्याण करने के लिए, आत्मिक रूप से उन्नत करने के लिए महसूस करेंगे। महसूस कर सकते हैं हमारा पूरा यंत्र प्लावित हो रहा है। चित्त एकाग्र है, विचारों का अभाव है, अब पुनः उनके स्थूल स्वरूप पर आ जाते हैं, यानी कि जल स्वरूप पर। और अब इस जल स्वरूप के साथ में, इस धारा के साथ में हम चलेंगे इस धारा के उद्गम तक, यानी कि हरिद्वार से लेके गौमुख तक। धीरे धीरे इस धारा को अपनी चेतना के जरिए पकड़ते हुए हम धीरे धीरे गौमुख तक जाएंगे, ग्लेशियर तक जाएंगे। भले ही हमने ना देखा हो कभी ग्लेशियर, भले ही हम स्थूल रूप में हम गौमुख तक नहीं गए हो, हमारा उसका कोई चित्र भी हमारे जहन में ना हो, लेकिन हम चेतना के माध्यम से उस अंतिम स्थान उद्गम तक भी पहुंचेंगे धीरे धीरे।
अब उनके फिर निराकार रूप को चेतना के साथ जोड़ेंगे, फिर आभासित करेंगे अनंत ब्रह्मांड से लेके अपने मूलाधार तक, अपने संपूर्ण यंत्र में भ्रमण करती हुई इस धारा को। जल स्वरूप पे जोड़ेंगे, और साथ में जरा गौर करने जा रहे हैं हम, अभी हम उसके बाह्य स्वरूप से जुड़े हैं और बाह्य स्वरूप से जुड़ने के बाद हमारे यंत्र में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, गौर फरमाए। किन किन केंद्रों पर इनका बाह्य स्वरूप प्रतिक्रिया दे रहा है, हमारे भीतर क्या आभासित हो रहा है, गौर करें। स्वरूप पे आते हैं मां गंगे के, और अब परिवर्तन महसूस करेंगे या नहीं करेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं अब निराकार स्वरूप में। क्या ऊर्जा का घनत्व इंटेंसिटी बढ़ गई निराकार में, किसी भी हालत में मां गंगे से अपनी चेतना को हटाना नहीं है हमें। अब जरा अपने चित्त को फोकस करेंगे अपनी दोनों हथेलियों पर, उंगलियों के पोलों पर, क्या इंडिकेशन दे रहे हैं ये, गौर करें। क्या हथेली के बीचों बीच गोल गोल घूमता प्रतीत हो रहा है, क्या उंगलियों के पोर्वे छनकृत हो रहे हैं,
अब महसूस करेंगे, मानो हम इस अमृत धारा के नीचे बैठे हैं और हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर, हमारे शस्त्रार पर यह धारा गिर रही है। हमें कल्पना नहीं करनी है, हमें महसूस करना है, हमें देखना नहीं है, हमें आभासित करना है। यह धारा हमारे रोम रोम को पुलकित कर रही है, महसूस करेंगे। और अब हम इसके आनंद में डूबते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। विचार शून्य होते जा रहे हैं, महसूस करें। पांच छह मिनट तक इसी धारा के नीचे सराबोर होते हुए हमें ध्यानस्थ रहना है। अब एक दूसरी अवस्था महसूस करेंगे, दो तीन मिनट के लिए हम महसूस करेंगे कि हम ध्यानस्थ हैं और हमारे शस्त्रार से भी श्री भोलेनाथ की तरह एक ऊर्जा की धारा शस्त्रार से भी रिलीज हो रही है। महसूस करें इसी अवस्था को दो तीन मिनट के लिए।
अपने हृदय में माँ गंगे को प्रणाम करेंगे। कैसा अनुभव रहा आप सभी को? विचार कितने आए अनुभव किया उनको अपने भीतर? जब चित्त से हम फोकस करते हैं किसी भी चीज पर तो उसकी सूक्ष्म रूप में उपस्थिति हमारे भीतर रिफ्लेक्ट होती है। दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट एंटिटी थ्रू अवर अटेंशन। महसूस किया, शून्यता को महसूस किया, अंदर जो बहता हुआ ऊर्जा चारों तरफ अंदर बह रहा है हमारे यंत्र में, यह अनुभव किया बहन जी आपने? रचना बहन आपने महसूस किया? उर्मी बहन आया? तो इससे क्या साबित होता है कि जहां हमारा चित्त जाएगा तो सोचिए चित्त में कितना चमत्कार है। हमारा शरीर यहाँ है पर हमारा चित्त वहां है। चित्त के जरिए वो चीज हमारे भीतर शोषित होती है। हम उनकी जो निचोड़ है, जैसे कहते हैं ना स्थूल आंखें तो सतही चीजों को देखती हैं, लेकिन हमारी चेतना उसकी जो जिस्ट है, निचोड़ है उस एंटिटी का, डिवाइन एंटिटी का, उस निचोड़ को अपने भीतर में लाती है और हमारे यंत्र में रिफ्लेक्ट होती है वो चीज। आशा है आपको ज्यादा सर्दी नहीं लगी होगी, स्नान किया है आपने? काम तो नहीं हो रहा किसी को? ना क्या है? तो अब चाय का सेशन है, प्लीज चाय ले लीजिए। इसके बाद बेटा से पूछना चाहता हूँ, भारती क्या महसूस किया बच्चे? जोर से बताओ। नहीं, अच्छे को डिफाइन करो टेक्निकली। मजा इसी में है कि जब हम टेक्निकली डिफाइन करें इससे लाभ क्या होगा। हमें तो लाभ हो ही रहा है, सो हो रहा है, अगर टेक्निकली हम डिफाइन करेंगे जो हमसे वो सुन रहे हैं, क्या हमारे सुनने से जो अनुभव करेंगे उनके भीतर में घटित होगा। सहजयोग को कभी भी ऐसे ही नहीं बता देना चाहिए, टेक्निकली बताएं ताकि भीतर में घटित हो वो चीज। हाँ बेटा बता। थॉट्स कितने आए? शुद्ध आपको मैं? मुझे जब आप पहले तो कभी तक क्लियरेंस हो रही है, इधर हो रही है। हाँ शुरू में तो वो अनुभव था। हाँ वो सर, लेकिन जैसे आपने बोला कि वो फील करना, जैसे सहस्रार से जो फील कर रहा तो शायद कुछ सेकंड के लिए मेरे को दूर दिखाई दे रहा। तो दिख गया कुछ ना कुछ, क्योंकि चित्र देखा हुआ है ना हमने। अच्छा, जब लास्ट में हम लास्ट में यह अनुभव करें शिव जी की तरह कि हमारे शस्त्रार से भी ऊर्जा बह रही, तब कैसा अनुभव हुआ? निकल रहा है एग्जैक्टली, यानी कि सम एनर्जी मस्ट रिलीज फ्रॉम अवर शस्त्रार एंड एनर्जाइज दैट एटमॉस्फेयर। ये जो चारों तरफ हमारे एटमॉस्फेयर है, ये ऊर्जा हमारे भीतर से निकले और सबको प्लावित करे, यही मास रिलेशन से पहले हमें महसूस करना है। हमारे सामने अगर 1,00,000 लोग भी हैं जो हमारे यंत्र के माध्यम से आत्म साक्षात्कार पाने जा रहे हैं, उससे 5-10 मिनट पहले मां की शक्ति को इसी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब करें। पहले अनंत ब्रह्मांड से आने वाली शक्ति को डायरेक्ट उस ब्रह्मांड से अपना हृदय तक कनेक्शन जोड़े, कनेक्ट करें, उसके 5 मिनट बाद महसूस करें कि दैट एनर्जी इज रिलीजिंग थ्रू अवर सहस्त्रारा एंड गोइंग टू द सहस्त्रारा ऑफ बोथ कलेक्टिव। जो हमारे सामने इतने सारे हजारों लोग बैठे हैं उनके सहस्त्रार में भी जा रही है। वी मस्ट रियलाइज दैट बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग रिलेटेड टू सहज योगा। कोई भी चीज बोलने से पहले हमें ये प्रोसेस से गुजर जा रहे हैं अगर, तो आपको ताज्जुब होगा जो सामने लोग बैठे होंगे
उनको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, जल्दी से ध्यान में जाएंगे, और ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि हमें अनुभव हुआ थ्रू यू, आदि शक्ति इज वर्किंग आउट, आपके जरिए आदि शक्ति मास लेवल पे जागृति दे रही है आपकी चेतना और आपके चित्त के। जो लोग बाहर के, फिर मैं उसी पे आऊंगा, जो लोग बाहरी रूप से गतिविधियां जारी करते हैं वो अपने भीतर नहीं उतर पाते, बहुत नुकसान उठाते हैं वो इस बात का। और उनके जरिए क्या होता है कि बाहर रूप में ही लोग जुड़ते हैं और वो बाहर रूप में छिटक भी जाते हैं। लेकिन जो साधक, नया आदमी, नई नए सहजी या नए साधक साधक लोग जो इस सूक्ष्म धारा से जुड़ेंगे वो छिटक नहीं सकते, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, जब आप ध्यान में होंगे, आप बिना सोचे, आप सोच भी नहीं रहे हैं उनके लिए, तब भी आपकी ऊर्जा की धाराएं उन तक पहुंचनी है 101%। तो इसका बड़ा सरल सा तरीका है। जी साधक है,
यकीनन वो भगवान से परे से आने वाली जो शक्ति है, जिनका हम जिन्हें हम कहते हैं आद शक्ति, वो अवतरित होती है तो कम खुले हुए छिद्रों से, कुंडली के कारण कुछ छिद्र खुल जाते हैं, अंदर जाती हैं, लेकिन जब वो रिलीज होती है तो कुछ ही छिद्रों से ही रिलीज होंगी ना, उस अमाउंट में रिलीज नहीं हो पाती और वो धीरे धीरे जाती है जिससे कि नुकसान ना पहुंच जाए। तो इसी प्रोसेस से हमारे अंदर ही छिद्र भी खुलते हैं और जितने छिद्र खुलेंगे उतने अमाउंट में रिलीज भी होना शुरू हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आप एकदम से समाधि में होते हैं, तत्क्षण समाधि लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे हमने से कि बस उन्होंने सोचा ध्यान तो फट से ध्यान लग गया, ऐसे भी होता है। और कई बार नहीं भी होता जब हम उलझे होते हैं, लेकिन कई बार जब हम फ्री होते हैं ना माइंड से, बस एहसास होते ही ध्यान लग जाता है, आपको विचार कोई नहीं आता उसका। ये वही स्थिति होती है जब ये सर्किट पूरा हो जाता है। तो अभी तक का सेशन समाप्त करते हैं थोड़ी देर के लिए, इंटरवल। तो अभी तक के सेशन में आपने क्या महसूस किया, कैसा लगा, कुछ पॉजिटिव लगा या ऐसे ही बस टाइम खराब कर दिया? लाइट 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 नहाने से हमें क्या होता है, लाइट ही होते हैं, स्नान किया है। ओके, जय श्री माता की, प्लीज चाहिए। क्या चीज सुनते हैं, इंटरेस्टिंग बात ये है जो हमारे सिस्टम को मैच करती है, वही सुनते हैं। नहीं सुनते तो हैं पर ग्रहण करते हैं। जैसे हमने खाना सेलेक्ट कर लिया, अब खाने में बहुत सारी सब्जियां भगवान ने बनाई हैं, पर हम खाते क्या है, जो हमारा अंदर का यंत्र आज खाने के लिए कह रहा है हम वो खाते हैं। हम रोज बैंगन नहीं खाते, रोज लौकी नहीं खाते, रोज गोभी नहीं खाते, हमारे अंदर की तासीर बदलती है तो हम वो वाली चीज सेलेक्ट कर लेते हैं। और हमें हमें एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, हमें नहीं मालूम होता, हमें कैसे पता है हमें यही खाना है? कभी आपने सोचा कि हमें कैसे पता लगता है यही चीज खानी है, ये नहीं खानी? मेरा जी वापिस से बात कीजिए मुझे। कहते मेरे को, कहते आप जाओ फटाफट जाओ, आपको तुरंत आया होगा सरीन साहब, कब कहेंगे ऐसा?